हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 12 मॉडल के बोर्ड में वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12 मॉडल का बोर्ड है, मॉड्यूलर है। यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, दो स्विच यहाँ पर लगा हुआ है, तीन स्विच और तीन सॉकेट लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह इसकी वायरिंग की जाती है। इसके साथ में दो गैप है, आप देख सकते हैं दो खाली जगह है। एक तो टेलीफोन का लगा हुआ है, दूसरा नेट का वायर आएगा जो हमारा इंटरनेट कंप्यूटर के लिए होता है। तो अब इस साइड से टेलीफोन का जो स्विच होता है आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो है न्यूट्रल अर्थिंग फेस। तो सबसे पहले यहाँ पर स्विच के नीचे वाले ट्रीमेंट पे हम फेस वायर कनेक्ट करेंगे जो हमारे मेन डिब्बी से आती है। स्विच के नीचे वाले ट्रीमेंट पे ये देखिए यहाँ पर हमने कनेक्ट किए हुए हैं, ये देखिए ये कनेक्ट किए हुए हैं। ये स्विच यहाँ से लेकर एक वायर आएंगे, इस स्विच के नीचे वाले ट्रीमेंट पे कनेक्ट कर देंगे और ये चला जाएगा हमारा सीधा MCB में एक वायर, आप लोग देख सकते हैं। अब स्विच के ऊपर वाले ट्रीमेंट से एक वायर लेकर जाएंगे सॉकेट में। ये जो सॉकेट है सॉकेट के L वाले ट्रीमेंट पे लाके कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर L लिखा हुआ है, यहाँ पर E लिखा हुआ अर्थिन, यहाँ पर N लिखा हुआ न्यूट्रल, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से दूसरे वाले स्विच से एक वायर इस तरह लेकर जाएंगे, यहाँ पर दूसरे वाले सॉकेट के L वाले ट्रीमेंट पे कनेक्ट करेंगे, यानी फेस। L का मतलब होता है फेस, यहाँ पर फेस वायर में लाके कनेक्ट करेंगे, सॉकेट का फेस में कनेक्ट करेंगे। अब तीसरे वाले स्विच से एक वायर रेड लेकर जाएंगे, तीसरे वाले सॉकेट के L वाले जो है ट्रीमेंट पे कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह जो हमारी फेस की वायरिंग हो जाएगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तीन सॉकेट है, एक दो तीन, तो यहाँ से जो है एक सॉकेट से हम लेकर जाएंगे ब्लैक वायर, दूसरे सॉकेट में लूप कर देंगे और यहाँ से एक वायर लेकर जाएंगे तीसरे वाले सॉकेट में लूप करेंगे। अब देखिए ये जो वायर है इस वायर को यहाँ पर लूप करेंगे, यहाँ से एक वायर लेकर जाएंगे मेन डिब्बी के पास। तो अब हम अर्थिंग की बात करेंगे, न्यूट्रल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए ई लिखा हुआ है, तो यहाँ से अर्थिंग एक वायर लेकर आएंगे और इस दूसरे वाले सॉकेट के बीच वाले ट्रीमेंट पे अर्थिन पे कनेक्ट करेंगे, तीसरे वाले सॉकेट के बीच वाले ट्रीमेंट पे कनेक्ट करेंगे अर्थिन वायर को, इस तरह यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इस वायर को निकालेंगे जो हमारी ज़मीन से अर्थिन होती है वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो आप लोगों को बोर्ड बनाने आ गया होगा। इस प्रकार से 12 मॉडल का बोर्ड या किसी भी स्विच सॉकेट का अगर आप लोगों को कनेक्शन करना तो इसी प्रकार से होगा। स्विच के नीचे वाले ट्रीमेंट पे मेन पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे जैसे यहाँ पर कनेक्ट किए हैं, उसके स्विच के ऊपर वाले ट्रीमेंट से लेकर आएंगे एक सॉकेट में जोड़ देंगे, L वहाँ पर L लिखा रहेगा L वाले ट्रीमेंट पे। तो इस तरह आपकी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आप लोगों को लेकर चलते हैं जो हमारा 12 मॉडल का बोर्ड है वहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं ये 12 मॉडल का बोर्ड है, यहाँ पर दो वायर आया हुआ है, एक तो टेलीफोन का है देखिए यहाँ पर मार्किंग किया गया और दूसरा हमारा CAT6 जो हमारे इंटरनेट चलाने के लिए, कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए। और ये रहा हमारा सर्किट जो न्यूट्रल फेस अर्थिन, ब्लू वाला हमारा न्यूट्रल है और ये जो येल्लो है ये फेस है और ये अर्थिन है। और इस बोर्ड में हम कनेक्शन करेंगे, पूरी तरह से कनेक्शन करने के बाद हम आप लोग को दिखाएंगे। जो येल्लो वाला वायर है इस स्विच के नीचे वाले ट्रीमेंट पे लाके यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। वायर को थोड़ा लंबा छीलेंगे, वायर को थोड़ा लंबा छीलेंगे और इस तरह कनेक्ट कर देंगे और ये वाला वायर इसी वायर के साथ में जोड़ देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो हमारा अर्थिन है इस अर्थिन को लेकर आएंगे यहाँ पर, इस अर्थिन के साथ में ये जो अर्थिन है ये दोनों अर्थिन को यहाँ पर इस तरह जोड़ देंगे, ये देखिए इस तरह जोड़ देंगे, ये हमारा अर्थिन की वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब जो न्यूट्रल है ये हमारा ब्लू कलर का न्यूट्रल है, आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का न्यूट्रल है और इस ब्लैक वायर के साथ में यहाँ पर जो हमारा सॉकेट तीसरा वाला है यहाँ पर लाके इस तरह कनेक्ट कर देंगे, ऊपर से कनेक्ट करेंगे, इसमें टेप लगा हुआ है, इस तरह कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारी बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट बनके तैयार हो गई। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को ऑल कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।